माय चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे बियर्ड को किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से उसकी केयर की जाए और किस तरह से हम बियर्ड पे ऑयल लगाएं या फिर उसको वॉश करें ताकि आपकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, घनी हो और काली हो और साथ ही साथ लंबी भी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दो रेमेडीज शेयर करूंगी। होम रेमेडीज हैं ये, आप इसको जरूर देखिएगा और ट्राई करिएगा। 100% इफेक्टिव है। होम रेमेडीज जो भी मैं शेयर करती हूँ अच्छी होती हैं, बस आप उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करिएगा। यूज़ करेंगे तभी इफेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन जो होते हैं फेस को वॉश करते हैं, मीन्स जनरली हम सब फेस को वॉश करते हैं 2 times in a day, कम से कम करते हैं सुबह और शाम। तो हम जब फेस वॉश करते हैं, लेकिन जिनकी बियर्ड होती है और बियर्ड में जो इंटरनल स्किन होती है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती आपके सिर्फ फेस वॉश करने से। तो फेस वॉश जो भी आप यूज़ करें नॉर्मल नेचुरल हो, अच्छा हो, एंड साथ ही साथ इसको एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए आपकी बियर्ड को ग्रोथ होने के लिए। एक्चुअली होता ये है कि जब आपकी बियर्ड हो जाती है और अगर भगवान की दया से आपकी बियर्ड घनी भी है तो आपकी यहाँ पे जो फॉलिक्स हैं वहाँ पे हवा ही नहीं लगती है। जिस तरह से हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है या फिर आप अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो आपकी दाढ़ी के अंदर ईचीनेस या फिर स्कैल्प में इन्फेक्शन होने के कारण या फिर क्लीन ना रहने के कारण आपको हेयर फॉल हो जाता है। बियर्ड में बियर्ड के हेयर फॉल होने लगते हैं जिससे कि आपकी दाढ़ी हल्की दिखने लगती है और साथ ही साथ आपकी दाढ़ी के बाल भी रफ से होने लग जाते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रब शेयर करूँगी। होम मेड स्क्रब है ये, होम रेमेडी है। इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा और हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से आपकी बियर्ड के अंदर की जो स्किन है, जो हेयर फॉलिक्स हैं, वो अच्छे से क्लीन होंगे। अगर कोई डेड स्किन वहाँ पे जमा हो गई है, डर्ट जमा हो गई है, तो वो क्लीन होगी। आपकी जड़ों को, आपकी जो दाढ़ी है उसकी जड़ों को सांस लेने की जगह मिलेगी, मीन्स उसके जो हेयर फॉलिक्स हैं वो ओपन होंगे, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। पहले हम इसको क्लीन करेंगे और इनको ओपन करेंगे और उसके बाद हम कौन सा ऑयल लगाएंगे वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि स्क्रब कैसे बनाना है। स्क्रब के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर आप बाजार से कोई भी ले सकते हैं। जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये होममेड यूज़ कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी मार्केट का चारकोल पाउडर ले सकते हैं। चारकोल पाउडर हमने लेना है और साथ ही साथ हमने लेना है 1/2 चम्मच हम कॉफ़ी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल, 1 चम्मच हम एलोवेरा जेल डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो इतना इजीली ये मिक्स हो गया है। और इसको आपने एज ए स्क्रब यूज़ करना है। एज ए स्क्रब जब आप इसको यूज़ करेंगे अपने दाढ़ी के ऊपर, तो इस तरह से जिस तरह से हम कोई भी स्क्रब करते हैं उसको मसाज करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर देना है। सर्कुलर मोशन में करेंगे, दाढ़ी के नीचे डेड स्किन हो जाती है, आपके हेयर फॉलिक्स बंद हो जाते हैं, क्लोग हो जाते हैं, उनको सांस लेने की जगह नहीं मिलती है। तो आप इस तरह से अगर इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके जो रूट है, मींस जहाँ से आपके हेयर उग रहे हैं वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, वहाँ पे अगर डर्ट नहीं होगी तभी आपके बाल बढ़ेंगे भी। और साथ ही साथ जो ऑयल मैंने बताया वो आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यूज़ करने के बाद आप नॉर्मल अपने फेस को वॉश कर सकते हैं एंड देन आपने यूज़ करना है बियर्ड ग्रोथ ऑयल। ना इस बियर्ड ग्रोथ ऑयल को भी हम घर पे ही बनाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमने बियर्ड हेयर ऑयल बनाना है उसके लिए हम लेंगे कैस्टर ऑयल। फ्रेंड्स, कैस्टर ऑयल बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो कैस्टर ऑयल मार्केट में मिलते हैं नॉर्मल रेंज में जो मिलते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस्ड नहीं होते हैं। कोल्ड प्रेस ना होने की वजह से वो थोड़े से थिक होते हैं, जो कि अप्लाई करने में आपको चिपचिपा से लग सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है वाओ कास्टर ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस्ड है। कोल्ड प्रेस्ड है, साथ ही साथ ही कैरियर ऑयल के जैसे वर्क करता है। कैरियर ऑयल मीन्स इसमें हमें अलग से कैरियर ऑयल ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट का कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे, अगर वो थिक है, नॉर्मल वाला है, तो आपको कोकोनट ऑयल में इसको मिक्स करना पड़ेगा। अगर कोकोनट ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आप उसमें 3 चम्मच कोकोनट ऑयल के डाल सकते हैं और 1 चम्मच आपने कैस्टर ऑयल का डालना है।
लेकिन हम यहाँ पे कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के डालूंगी। ये कैरियर ऑयल है, ये आपके हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, स्किन को नरिशमेंट देता है, साथ ही साथ आपकी जो हेयर है उसमें मॉइस्चर देता है, शाइन देता है, आपके बालों को काला करने में भी हेल्प करता है। जी हाँ, कैस्टर ऑयल आपके बालों को काला करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हम बियर्ड ऑयल बना रहे हैं जिसमें मैंने 2 चम्मच डाला है कैस्टर ऑयल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ये रोजमेरी ऑयल। सो रोजमेरी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने हेयर ग्रोथ के लिए जो भी ऑयल्स डाले हैं उसमें रोजमेरी डाला है, मीन्स ये बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए, तो आपने इसको भी इंक्लूड करना है। इसकी हम 5 बूंदे डालेंगे। इसके हमने 5 बूंदें डाल दी हैं, और उसके बाद हम एक और असेंशियल ऑयल डालेंगे, वो है ये लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल भी आपके एक तो फ्रेग्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप ये वीडियो और ऐसे कई वीडियो मेरे सिमसिम ऐप पे देख सकते हैं। सिमसिम ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे दिया गया है। इंट्रोडक्टरी ऑफर रहता है, डिस्काउंट रहता है, वीडियो को देखते देखते आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस एंड मैनी मोर वीडियोज ऑन माई सिमसिम ऐप। यू कैन परचेज प्रोडक्ट्स वाइल वॉचिंग वीडियोज। साथ ही साथ ही आपके बियर्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हम 5 बूंदें डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाउ ये जो ऑयल है ये आपका बहुत ही अच्छा एक ऑयल बन गया है जो आपके बियर्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ इस ऑयल को आपने किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में स्टोर करके रखना है और इसको हमने यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले स्क्रब यूज़ करना है। जो मैंने स्क्रब आपको दिखाया था वो स्क्रब आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसकी 2 से 4 बूंदें लेनी है, बस इतना ही लेना है। आपने पाम पे लगाना है, अच्छे से मसलना है और अपने फेस पे इसको लगा लेना है। दाढ़ी पे, मूंछ पे आप इसको लगाएंगे, और इसको आपने 2 बार यूज़ करना है, सुबह और शाम। धुले हुए फेस पे यूज़ करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। कंटिन्यू इसको यूज़ करिएगा, 3, 4, 6 महीने इसको यूज़ करिएगा, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखेंगे। आपकी दाढ़ी के बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तब भी ये रेमेडी वर्क करती है। इसको आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे, पहले महीने में आपको अपने आप ही फील होने लगेगा। कंटिन्यूस 6 महीने साल यूज़ करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। विजिबल मीन्स ग्रोथ दिखेगी आपको, अपनी दाढ़ी में घनापन दिखेगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब आप शेयर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स फैमिली वालों के पास पहुँचती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।